पी मलिक कैसेट्स की अन्य प्रस्तुति। पी मलिक। एक रागनी शहीद आजम भगत सिंह के इतिहास से आपके बीच में रखूंगा। सजना, दादा मांगेराम ने शहीद आजम भगत सिंह का किस्सा बनाया, उस किस्से में एक रागनी ऐसी लिखी कि जिसमें उस भगत सिंह के बचपन से लेकर उसके जन्म से लेकर उसकी शहीदी तक का वर्णन किया है दादा ने, कि कैसे उस भगत सिंह का जन्म होया, किस परिवार में जन्म होया, कौन से स्थान पर जन्म होया और कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसकी जवानी बीती और कैसे हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान होया। आइए बड़ी बेहतरीन लेखनी कैसे दादा ने इस भजन में, इस रागनी में कैसे कैसे बोल लगाए हैं, कैसी कैसी कहानी को दर्शाया है, कैसे क्या लिखा, क्या बताया। हन्यो बोलिया रे लाहौर जिले भाई साहब का बार बार तहे दिल से धन्यवाद है कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुनया हो रहे, जड़े किशन सिंह सरदार रहे थे वो किस्सा तमाम सुनया हो रहे। सजनो, बच्चे बच्चे की सुनी हुई कहानी है कि भगत सिंह कहां पैदा होया, किसके घर में पैदा होया। एक एक बात में दादा मांगेराम ने शुरू से उसके बचपन पर, उसके जन्म पर प्रकाश डाला है कि जब उस भगत सिंह का जन्म होया तो उस घर में क्या परिस्थितियां थी, किशन सिंह सरदार कहां पे थे, क्या कहानी बनती है, क्या लिखा नंबर एक को बोला। मरते मरते मरे गए।
सुनाओ रे। आज के जो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं पी मलिक यूट्यूब चैनल भाई साहब 500 रुपये गौशाला में गौ माता के लिए दान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इन भाइयों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की ऑर्गेनाइजर श्रीमती राजबाला बहादुरगढ़ भाई 1100 रुपये का सहयोग इस गौशाला कमेटी में देती है। एक बार जोरदार तालियां भाई। और सुनना नंबर दो पे दादा ने एक चीज और दर्शाई है कि देखना कि जितनी भी युद्ध होते हैं आंदोलन होते हैं घने नहीं तो ज्यादातर सबका जिक्र नहीं है लेकिन ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। कोई भी आंदोलन आप उठाकर देख लेना आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग होंगे उनकी भीड़ बहुत ज्यादा होगी लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सारी चीजों की मौज होया करे जिनने किसी बात कोई लेना देना भी नहीं होता चाहे धरती न्यून की न्यून पलट जाओ उनका कोई फर्क नहीं पड़ा करता लेकिन फिर भी उस भगत सिंह का पूरा परिवार ऐसा था जिस परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उस परिवार में अकेला भगत सिंह ही नहीं पूरा परिवार क्रांतिकारी था पूरा परिवार अपनी भारत माता के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार था। कैसे नंबर दो पदाता ने ये लिख दिया बोला
कुंडली ने एक शेर जड़िया वो सिंह का जाम सुने हो रहे सजना। उस भगत सिंह का जन्म हो गया, धीरे धीरे उसका बचपन नहीं बीतता है। जब वो भगत सिंह 8 साल का होया तो सजना वो जलिया वाला बाग का जो गोली कांड होया था वहां की कहानी दादा ने बताई है तीसरी कली में, कि जब उस जलिया वाले बाग में वो गोली कांड होया उस वक्त ये बताते हैं कि वो भगत सिंह स्कूल से घर की तरफ जाने लग रहा था और रास्ते में जब वहां पर वो आंदोलनकारियों की भीड़ देखी तो उस बाग में घुस जाता है। वहां पर जब वो गोली कांड होया और जब भगदड़ मची तो ये बताते हैं कि एक अंग्रेज सिपाही ने उस नन्हे से भगत सिंह के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। सजनों वहीं से उस भगत सिंह की जिंदगी अपना दूसरा रुख बदलती है, वहीं से देशभक्ति का जज्बा उस 8 साल के बच्चे में पैदा होता है। और किस तरह से फिर के कारनामे करे उसने, क्या लिखा नंबर दिया था?
म्यूजिक सेंटर मतलोडा से हमारे बड़े अजीज रागनी प्रेमी हैं और बड़े ही अच्छे रागनियों के लेखक भी हैं, आदरणीय बड़े भाई तेजवीर बांगड़ जी सौ रुपए से अपने छोटे भाई का हौसला बढ़ाते हैं। भाई साहब का बार बार तेजल से धन्यवाद है, धन्यवाद। सभी